नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। हमारी स्वाति एपी किचन में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज हमने बनाई है राबड़ी बूवी बाजरे से। तो यहाँ पे मैंने बाजरा लिया है, ये बारीक वाली बाजरी आती है सफ़ेद कलर की, वो वाली ली है हमने। तो इसको मैं साफ कर लिया है अच्छे से मैंने, और इसको मिक्सी जार में हम पीस लेते हैं। अगर आपके पास इसका आटा हो पिसा हुआ तो उसी से भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने देखिए पीस लिया है इसको अच्छे से बारीक। तो अब हम इसको छान लेंगे ताकि इसमें जो भी मोटा मोटा बाजरे का कण रह गया होगा वो निकल जाएगा, इसमें बाजरे के छिलके वगैरह सारे निकल जाएंगे छानने से। तो देखिए दोस्तों, हम बाहर चूल्हे के पास आ गए हैं और चूल्हा हमने जला लिया है। और यहाँ पे मैं 1.5 लीटर मैंने छाछ ली है। तो ये छाछ के अंदर आटा हम मिक्स कर देते हैं जो हमने बाजरे का पीसा था आटा। तो देखिए दोस्तों, ये राबड़ी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। जैसे जुकाम वगैरह हो जाए सर्दियों में तो राबड़ी पीने से ठीक होती है जुकाम। तो सर्दी सर्दी में ये ज़रूर बना के पिए, बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ छाछ के अंदर बाजरे के आटे को, और इसके अंदर डाल देते हैं हम नमक। और नमक डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चूल्हा भी जल गया है, अब चूल्हे के ऊपर रख देते हैं। चूल्हे के ऊपर खाना बनाने का मज़ा ही कुछ और है, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगती है हर चीज़ चूल्हे पे बनाते हैं। तो हम बाहर चूल्हे पे खाना बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये धीरे धीरे गाढ़ी होने लग गई है और अभी हम इसको और पकाएंगे। इसको 10 से 15 मिनट लगती है राबड़ी बनने में। ये देखिए दोस्तों, हमारी राबड़ी बन के तैयार हो गई है। ये देखिए गाढ़ी हो गई है और 10 से 15 मिनट हमने इसको पका लिया है और ये हमारी राबड़ी बन के तैयार है पीने के लिए। तो हम इसको नीचे उतार लेते हैं चूल्हे से। तो देखिए दोस्तों, हमारी रबड़ी बनके तैयार हो गई है। सर्दियों की स्पेशल चीज़ है ये हमारे। ये देखिए दोस्तों, गरम गरम पीने का स्वाद ही कुछ और है इसका। तो आइए ज़रूर दोस्तों, आपको भी हम पिलाएंगे ये रबड़ी बना के। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताना, और हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Oh, oh, oh.